अभी एसएचएम में भी कुछ डेफिनेशंस है जो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसएचएम के डेफिनेशन, ठीक है। एसएचएम में सबसे पहले आता है हमारे पास ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इन एसएचएम, ऑसिलेशन इन एसएचएम, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम हमने देखा, क्या हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा मूव होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर अंदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। मीन्स कंटिन्यूसली जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसएचएम ऑसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एचएसएम मींस हम भी मेन पोजीशन से जितना हमारा पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, मींस जैसे यहाँ से यहाँ मूव हुआ, यहाँ से यहाँ मूव हुआ, जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रॉम दी मेन पोजिशन, ठीक है, तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, पार्टिकल इन एसएचएम फ्रॉम मेन पोजिशन, फ्रॉम मेन पोजिशन, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम ही है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड मीन्स जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वही मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। मीन्स अगर मेन पोजिशन से डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर तो वही होगा हमारा एम्पलीट्यूड, मीन्स मैक्सिमम कितना ट्रेवल करता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करता है वो है मेरा एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, द द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, बाय अ पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी इसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो है हमारा पीरियड, पीरियड। अभी टोटल इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, टी मीन्स वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशंस कंप्लीट होने कितना टाइम लगता है, मीन्स वन ऑसिलेशन मीन्स कितना हो गया इसके अंदर, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से मेन, फिर से एक्सट्रीम, मीन्स ये मेरा कंप्लीट वन वन पीरियड हो गया, ओके। तो वन पीरियड के लिए हमारा डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, वन ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है। इसको हमें सिंपली थिंग टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर होता है मेरा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स 2π मीन्स कंप्लीट वन साइकिल 360 का, ठीक है, जो भी मोशन होगा वो कितना होगा 360 का, तो 2π अपॉन वेलोसिटी मीन्स ओमेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलेंगे इसमें एफ, यह आएगा इट इज दी, इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/t होता है, तो एफ मेरा क्या होगा 1/t, 1/t मीन्स कितना हो गया, टी की जगह मैं पुट करता हूँ 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा/2π, क्लियर हुआ। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2π/f, क्लियर हुआ। तो ये मेरा क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो ये सब मेरे एसएचएम के पार्ट है, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसीज एंड ऑसिलेशंस, ये सब कैसे होते हैं वो हमने डेफिनेशन के पार्ट्स में देखा, क्लियर हुआ। अभी